Hello students, welcome back to Gurukul Parishar YouTube channel, a perfect choice for your study. So students, हमने last lecture में study किया था photosynthesis की process को. वहाँ पे हमने पढ़ा photosynthesis कैसे होती है plant के अंदर और उस process से plant के अंदर क्या prepare होता है. तो हमने पढ़ा था photosynthesis की मदद से plants अपने food को manufacture या prepare करते हैं. फिर हमने पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन से पार्ट में होगी प्लांट्स के. तो हमने आगे पढ़ा था लीव्स के अंदर, क्योंकि लीव्स के अंदर ही क्या मिलती थी, एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेली थी जो का क्या नाम था, क्लोरोप्लास्ट. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या थे, अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट. ठीक है, जो सबसे या हम बात करें जिनका मेन रोल था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में. फिर हमने पढ़े थे रॉ मटेरियल्स के बारे में. तो दो रॉ मटेरियल्स थे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. फिर हमने पढ़े रिक्वायरमेंट, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए. तो वहां पे हमने पढ़ा था फोर रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड द लास्ट वन इज क्लोरोफिल. ठीक है, चलिए स्टूडेंट जब हम आगे स्टार्ट करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई उससे क्या सिग्निफिकेंस है प्लांट के लिए या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. तो सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ रीजन. बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस काफी इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, प्लांट के लिए जो उसको परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी के ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर. तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट है हमारा फूड. अब हमें पता है फोटोसिंथेसिस होती किस लिए है, फूड को प्रिपेयर करने के लिए, फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए. कहाँ पे होती है, प्लांट्स के अंदर. बाय फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट सिंथेसिसाइज फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, इसकी मदद से जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना या अपना फूड प्रिपेयर या मैन्युफैक्चर करते हैं बाय सिंपल रॉ मटेरियल्स. और दो रॉ मटेरियल्स हमने पढ़े थे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब फूड प्रिपेयर हो गया, अब प्लांट के लिए भी फूड बना और साथ ही साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी फूड बना. क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं. क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यानी कि फूड को प्रोड्यूस करते हैं. क्या करते हैं, फूड को प्रोड्यूस करते हैं, खुद के लिए भी और बाकी के बचे ऑर्गेनिज्म के लिए भी. दस इट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ. तो इसी प्रोसेस की वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ क्या है, कंटिन्यू चल रही है. यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो तो अर्थ के ऊपर लाइफ भी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी. तो इसीलिए प्लांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके लिए, लाइफ के लिए. सेकेंड आता है ऑक्सीजन. हमने पढ़ा जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, जो एक गैस की फॉर्म में होती है. ठीक है, और कहाँ पे चली जाती है, एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है. तो ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नीडेड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन फॉर रेस्पिरेशन. तो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज हुई, उस ऑक्सीजन का कौन यूज करते हैं, बाकी के बच्चे एनिमल्स एंड ह्यूमन, या हम बात करें खुद प्लांट्स भी क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन. किसके लिए यूज करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं. तो रेस्पिरेशन होती क्या है, तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस, जिसके अंदर जो फूड है, क्या है, जो फूड है उसका ब्रेकडाउन होता है. क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है. क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है. समझ में आया सभी को, रेस्पिरेशन क्या होता है. इस टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस के अंदर रेस्पिरेशन, उसमें हम इसको डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे. इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन ऑफ माइक्रोब, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं तो वो भी रेस्पिरेशन करते हैं. फूड का ब्रेकडाउन उनकी बॉडी में भी होता है क्योंकि एनर्जी उनको भी चाहिए. तो जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ एनिमल्स के या ह्यूमंस या बाकी के बचे प्लांट्स के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है. क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब फूड का ब्रेकडाउन हो जाएगा. ऑक्सीजन ऑल्सो सपोर्ट कम्बशन ऑफ फ्यूल्स, यानी कि जो फ्यूल्स हैं, क्या है, जो फ्यूल्स है हमारे, या फिर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो जलती कैसे है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है. कैसे जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. अगर ऑक्सीजन ना हो
तो कोई भी फ्यूल या कोई भी चीज बर्न नहीं हो पाएगी। तो ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ कम्बशन, कम्बशन की प्रोसेस के लिए। तो समझ में आया सभी को, ये दो सिग्निफिकेंस, सबसे पहला फूड ऑक्सीजन, थर्ड सिग्निफिकेंस देखते हैं फ्यूल, यानी कि फ्यूल हम बोल सकते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म्स ऑफ स्टोर्ड सोलर एनर्जी सिंथेसाइज बाय फोटोसिंथेसिस मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। अब देखो आपको पता होगा, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, एक तरह के फ्यूल्स बनते हैं इससे डेड बॉडीज से, किसकी, प्लांट या एनिमल्स की। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लांट की। तो प्लांट्स है वो अपनी लाइफ टाइम में पता नहीं कितनी बार क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा, इसका मतलब पता नहीं कितनी बार मिलियंस ऑफ टाइम वो सोलर एनर्जी को अपनी बॉडी में क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। अब ये जो सोलर एनर्जी है बहुत टाइम तक उसकी बॉडी में स्टोर होती रहेगी, होती रहेगी, एक टाइम पे प्लांट की क्या हो जाएगी, एज होने के कारण उसकी डेथ हो जाएगी। बट उसकी बॉडी के अंदर अभी भी सोलर एनर्जी स्टोर थी, तो जब उसकी डेथ हो जाएगी, उसकी बॉडी की डेथ हो जाएगी, तो उसकी बॉडी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो काफी टाइम तक वो ऐसे डिकम्पोज होती रहेगी, तो उसकी बॉडी के अंदर जो सोलर एनर्जी थी वो लास्ट में कन्वर्ट किस में हो जाती है, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जनरली हमारे तीन सिग्निफिकेंस होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। इन तीन की वजह से फोटोसिंथेसिस की हमें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो सिर्फ प्लांट्स को ही नहीं, फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट तो हम लोगों को भी होती है। तो समझ में आया सभी को फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आता है लाइट, यानी कि जो सनलाइट है या सोलर एनर्जी है। चलिए देखते हैं सोलर एनर्जी का या सनलाइट का या सिंपली लाइट एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पे। तो प्लांट्स यूज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो जो प्लांट्स है वो बहुत ही छोटी अमाउंट में या बहुत ही कम पोर्शन यूज करते हैं किसका, सनलाइट का या सोलर एनर्जी का, जो कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, थ्रू पिगमेंट, किसके थ्रू करेंगे, पिगमेंट्स के थ्रू। और वो पिगमेंट्स पढ़े हमने क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। क्या होते हैं वो पिगमेंट्स, वो पिगमेंट्स होते हैं हमारे क्लोरोफिल। द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मोस्टली ब्लू एंड रेड रीजंस ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी कि जो क्लोरोफिल है, जो लाइट आ रही है, जो क्या आ रही है, लाइट आ रही है, उसके अंदर से मेनली जो रेड रीजन होगा और जो ब्लू रीजन होगा उसी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, बाकी के रीजन को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या है, आप सभी ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा रेनबो के बारे में, ठीक है। तो रेनबो में क्या होता है, सेवन कलर्स होते हैं। तो देखिए रेनबो कैसे फॉर्म होगा, रेनबो फॉर्म होता है बाय द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन से फिनोमिना से फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है बाय द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। तो क्या होगा, जब सन रेज, क्या होगी, जो सन रेज है वो वॉटर ड्रॉप से क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो वो जो सन रेज थी, यानी कि जो व्हाइट लाइट थी, क्या थी, व्हाइट लाइट थी, वो स्प्लिट हो जाएगी किसके अंदर, इंटू सेवन कलर्स, किसके अंदर स्प्लिट हो जाएगी, सेवन कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं रेनबो। क्या बोलते हैं हम इसको, रेनबो बोलते हैं, ठीक है। अब ये रेनबो के अंदर जो सेवन कलर्स है वो कौन कौन से होते हैं, तो जनरली उन सेवन कलर्स को लर्न करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया है, विवग्योर, ठीक है। वी का मतलब वॉयलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज और आर का मतलब रेड, ठीक है। तो जनरली कौन से कलर को या कौन से रीजन को जो क्लोरोफिल है वो एब्जॉर्ब करती है, वो करती है ब्लू और रेड रीजन को, यानी कि इस रीजन को और इस रीजन को क्या करेगी, क्लोरोफिल व्हाइट लाइट के अंदर से एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी के रीजन को क्या कर देगी, या बाकी की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। तो समझ में आया सभी को, एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस एट द लोअर इंटेंसिटीज ऑफ लाइट, यानी कि जब लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरह से जो एनर्जी होगी उसकी,
अगर वो कम अमाउंट में है, यानी कि कम इतना नहीं कि बहुत ही लो है, हम बोल सकते हैं एक एवरेज अमाउंट में या एक मीडियम अमाउंट में है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इंक्रीज कर जाती है. क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है. बट अगर लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाए? बढ़ जाए, यानी कि इंक्रीज हो जाए, तो तब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी या फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, यानी कि लो हो जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखो हीट या लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, यानी कि टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, और टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो जो प्लांट की बॉडी में वॉटर होगा वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो उस वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या हो जाएगा? वहां पे डाउन हो जाएगा या लो हो जाएगा. तो इसीलिए हम बोल सकते हैं हीट या टेम्परेचर या फिर जो लाइट की इंटेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्योंकि अगर वो लो रहेगी तभी फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज हो पाएगा. तो समझ में आया सभी को लाइट कैसे अफेक्ट डालती है या सोलर एनर्जी कैसे अफेक्ट डालती है फोटोसिंथेसिस के रेट पे. सेकेंड आता है टेम्परेचर. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ऊपर टेम्परेचर, ठीक है, वो तो केस बताया मैंने वॉटर के बेस पे, यानी कि इवेपोरेशन हो जाएगा वॉटर का. अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं उस टेम्परेचर को ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स की एक्टिविटी के बेस पे. तो चलिए स्टडी करते हैं. तो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ, फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द एक्टिविटीज ऑफ अ नंबर ऑफ एंजाइम्स. बहुत सारे एंजाइम्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. बिकॉज एंजाइम फंक्शन विद इन एन ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर. अब जो क्या है, एंजाइम है वो किसी ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ही वर्क करेंगे, यानी कि अगर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है या बहुत ही कम हो रहा है तो तब वो वर्क नहीं कर पाएंगे. उनके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है, तो तभी वो क्या कर पाएंगे? अपना वर्क कर पाएंगे. अब सपोज का टेम्परेचर बहुत ही हाई हो गया, जैसे कि डेजर्ट, डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा ही होता है, 50 डिग्री सेल्सियस से उससे बहुत होता है, तो इसी वजह से डेजर्ट में प्लांट्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है. या अगर हम बात करें जो क्या होते हैं कोल्ड एरियाज होते हैं, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस या 0 से नीचे यानी कि माइनस में चला जाए, तो वहां पर भी प्लांट्स हमें बहुत ही कम देखने को मिलेंगे. और अगर मिलेंगे भी तो उनके अंदर कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रही है, और फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो फूड नहीं बन रहा है, फूड नहीं बन रहा है तो प्लांट कैसे स्टोर करेगा उसको, क्योंकि उसके पास स्टोर करने के लिए फूड ही नहीं है. तो समझ में आया सभी को टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है. तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट. लो टेम्परेचर हैज एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स इज लोअर्ड. यानी कि अगर टेम्परेचर बहुत ही कम हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या हो जाएगी? रुक जाएगी या बंद हो जाएगी या बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि जो एंजाइम्स है उनको वर्क करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है. बट इफ वी इंक्रीज इन टेम्परेचर इनिशियली एक्सेलरेट द रेट बट हायर टेम्परेचर इनहिबिट फोटोसिंथेसिस. यानी कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा. क्या होगा? बढ़ जाएगा एकदम से. बट अगर टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया हमने तो तब इनहिबिट हो जाएगी फोटोसिंथेसिस, यानी कि रेट रुक जाएगा या बंद हो जाएगा या फिर बहुत ही कम हो जाएगा. समझ में आया सभी को टेम्परेचर कैसे अफेक्ट डालता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे. तब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड फैक्टर आता है हमारा वॉटर. दो वेरी लेस अमाउंट ऑफ वॉटर इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, येट वॉटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अब देखो बहुत ही कम अमाउंट में प्लांट क्या करता है? वॉटर का यूज करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वॉटर का किस तरह से यूज करता है. तो वॉटर का यूज करता है प्लांट सिर्फ हाइड्रोजन को लेने के लिए. क्या लेने के लिए? हाइड्रोजन को लेने के लिए, ठीक है. तो वॉटर का एक बहुत ही कम अमाउंट प्लांट यूज करता है, लेकिन इसके बावजूद वॉटर क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वॉटर सिर्फ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प नहीं करेगा, वो और भी बहुत सारी प्रोसेस होते हैं प्लांट के अंदर, उसमें भी हेल्प करता है, जिनको हम आगे अभी स्टडी करेंगे. इट हैज बीन फाउंड दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्लो इन वॉटर डेफिशिएंट कंडीशन. यानी कि जहाँ पे पानी की कमी होगी, यहाँ पे क्या होगी? पानी की कमी होगी, वहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ही कम हो जाएगा या फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं,
तो आपने देखा होगा कि डेजर्ट के प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, सूख जाते हैं या मुरझा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है प्रॉपर अमाउंट में, क्या नहीं है वोटर नहीं है अवेलेबल, तो इसलिए वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पा रहे हैं और फूड नहीं बन रहा है, तो इस वजह से उन प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। दिस हैपन्स बिकॉज इन सच कंडीशन द स्टोमेटा रिमेन क्लोज टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। तो जब ऐसी कंडीशंस होंगी तो वहाँ पे जो स्टोमेटा होंगे वो क्लोज ही रहेंगे, वो ओपन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो ओपन हो गए तो बॉडी से क्या हो जाएगा, वोटर का लॉस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वोटर पहले से ही बहुत कम हो वहाँ के परसेंट है, तो इसलिए स्टोमेटा क्या रहते हैं, वहाँ पे क्लोज रहते हैं। दिस निस्क्रिएट और स्टॉप द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द लीव। अब स्टोमेटा क्या रह गए, क्लोज रह गए, तो प्लांट की बॉडी के अंदर या लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर ही नहीं कर पाई, और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर ही नहीं कर पाएगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो समझ में आया सभी को वोटर किस तरह से अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस के रेट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोर्थ फैक्टर आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन। तो जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे यानी कि बढ़ा देंगे, तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ जाएगा, बट अप टू अ सर्टेन लेवल। लेकिन कुछ लेवल तक, ऐसा नहीं है कि वो बढ़ता ही चला जाएगा, वो बढ़ेगा कुछ लेवल तक, उसके बाद कॉन्स्टेंट हो जाएगा यानी कि रुक जाएगा। बट अगर आप उससे ज्यादा और बढ़ाएंगे तब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या हो सकती है, इनहिबिट हो सकती है, स्टॉप हो सकती है, रुक सकती है। बियॉन्ड दैट CO2 कंसेंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि एक लेवल तक तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, बट अगर हम उससे ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो फोटोसिंथेसिस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी के लिए क्या हो सकती है, फिर टॉक्सिक हो सकती है यानी कि हार्मफुल हो सकती है, और उसकी बॉडी को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। तो समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? तो हमने यहाँ पर स्टडी किया सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का क्या सिग्निफिकेंस होता है, फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टडी किया फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के रेट में कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड को, वोटर को, सनलाइट को, ठीक है, और हमने पढ़ा टेम्परेचर को। तो ये फोर फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट डालते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। तो स्टूडेंट्स समझ में आया सभी को? तो यहाँ पे हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है न्यूट्रिशन इन प्लांट का, ठीक है। तो यही सब आपके टॉपिक्स इंक्लूडेड थे इन द पोर्शन ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, या नेक्स्ट पोर्शन है न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो हमें वहाँ पे स्टडी करना है सबसे पहले तो एनिमल्स में जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स है, और जो मेनली आपकी बुक सिलेबस के अंदर एग्जाम्पल है वो है अमीबा का, यानी कि अमीबा कैसे न्यूट्रिशन इंटेक करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारे हायर एनिमल्स होते हैं, और हायर एनिमल्स में मेनली जो ह्यूमंस हैं, यानी कि हमें वहाँ पे पढ़ना होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो स्टूडेंट्स आप सभी नोट्स को कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट लेक्चर से स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।